पानी तो स्कून से पीने दे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। बैठो ये रे पानी से। शुरू का सीन जो है भाई हमने डाल दिया, डालना नहीं था। नहीं, इसमें ठंडा पानी फेंका है, यहाँ ना बहुत ठंडा पानी होता है तो मैंने इसको पानी फेंक दिया। गाइस ये ना इस्लामाबाद है, ठीक है, यहाँ ना ग्लास ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ना इस ग्लास पे कोई चेन लगी हुई थी, ना ही रस्सी से बांधा हुआ था। अगर ये कराची या लाहौर में होता ना तो इस पे या तो यहाँ ग्लास ही नहीं होता या फिर इसको ना चेन से और रस्सी से बांधा होता। वहाँ ना नशा जो करते हैं, पोटरी वगैरह होते हैं ना, वो उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं, है ना, सही कह रही हूँ ना, लाहौर में भी ऐसा ही करते हैं ना। हाँ तो गाइस आप लोगों के लिए खुशखबरी है, अब आप बताओगे या मैं बताऊँ? मैं बताता हूँ। अच्छा, आज से हमने डिसाइड किया डेली व्लॉगिंग का, अब से इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग होगी, एक भी छुट्टी नहीं होगी। अगर कोई छुट्टी होगी या कोई भी व्लॉग की एक आधा दिन भी मिस हुआ ना तो सारी गलती इसकी होगी, मेरी इस जरा सी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो कह दिया मैं एडिटिंग भी कर लूँ, हर चीज़ कर लूँगा, बस आप हिम्मत रखना, ठीक है। फिर ये कभी कभी गलती, मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, वह फ्लां फ्लां फ्लां, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, तो डेली व्लॉगिंग जो है वो भी आप लोगों की वजह से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट तो एक होता है ना, कमेंट्स बहुत सारे, तो आप सब कह रहे थे डेली व्लॉगिंग करो, रोज़ व्लॉग अपलोड किया करो, रोज़ शर्म नहीं आती, रोज़ अपलोड किया करो, हम इंतज़ार करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और दूसरा ये भी, तीन चार के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि आप लोग सबसे पहले तो अपना वो चेंज करो, यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करो, तो वो चेंज करना है, लेकिन पहले 15 दिन का टाइम आ रहा था, 5 से 6 दिन रह गए, हाँ, 5 दिन रह गए, तो उसके बाद इंशाल्लाह नाम भी चेंज हो जाएगा, सॉरी बेबी से आयशा उमेर कर देंगे, ठीक है ना। फिर हमारा यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, सब कुछ आयशा उमेर के नाम से। सो गाइज, आप लोगों ने कल वाला व्लॉग तो देखा होगा, ये अकेले अकेले घूम के आ गए और मुझे लेके नहीं गए। मैंने आपको अच्छी खासी सलाह मारी थी, आपका कोई दिल नहीं था, तो अब मेरी जरा गलती नहीं है। नहीं नहीं, आप लोगों ने कमेंट में मेरा साथ देना है और ना इस पे गुस्सा करना है कि आप आयशा को क्यों नहीं लेकर गए अकेले अकेले, क्यों इधर आपने पहाड़ों में घूमना था। हाँ अच्छा, एक मिनट मोबाइल देखो, दिया वो सामने देखो पहाड़, वहाँ ले जाऊँ, वहाँ घूमना, चिल करना, जा ही नहीं सकती, क्यों नहीं जा सकती, वहाँ चलते हैं। ओ नहीं, ये देखो ये इतनी प्यारी जगह है, ये भी यार यहाँ घूमो, एंजॉय करो, मस्ती करो, और क्या चाहिए। क्या एंजॉय करूँ, आपके साथ मजा आता है, अकेले थोड़ी ना मजा आता है, तो मैं आपके साथ ही जाऊँगा, और वो भी इन पहाड़ों में, तो ओ फिर क्या हुआ, इन पहाड़ों में तो चढ़ने की जगह भी नहीं होती। चलो ये थोड़ी सी सर्दियाँ कम होती है ना, फिर हम मरी या किसी और जगह का टूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सर्दियाँ कम हो जाएंगी फिर तो मजा नहीं, अबे अभी ज्यादा सर्दियाँ ना, अभी बर्फबारी हो रही है, इधर देख दूसरे कपलों की तरफ क्यों देखती है, शर्म नहीं आती। वैसे उन दोनों को देख रही थी, लड़की मेरी तरह लग रही थी, लड़की आपकी तरह हो, अच्छी खासी वो है तो आपकी तरह लग, मेरी तरह नहीं, नहीं। प्यारी लग रही है ना, साथी मुंह बन जाता है, ये मारूंगी ये किसको, उसको आपको नहीं मार सकती, आप तो जानो ना। अच्छा फिर बताओ, अच्छा आप सबने ना इसमें गुस्सा करना है कि आप आयशा को क्यों नहीं लेकर गए, वो अकेले सैड होती रही, रोती रही घर में अकेले, बोर होती। प्रैंक आपके साथ अच्छा हुआ था क्या, मतलब आपको कॉल पे मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये पहुंच रहा है, घर आने लगा है ना, इसने मुझे बोला कि मैं कल आऊंगा ना या परसों आऊंगा, और ये कल पहुंच गया, मैं तो हैरान ही हो गई जब इसने गेट बजाया ना इस तरह, मैंने कहा ये कौन आ गया, मैं तो डर गई थी, अकेले होती हूँ तो डर गई फौरन, और जब देखा तो उमेर साहबजादे, मतलब खुश भी हो गई थी, हैरान भी हो गई थी, ऐसा लग रहा था ना बहुत सालों बाद मैं इससे मिल रही हूँ। अच्छा मैंने तो एक एक छोटी छोटी वीडियो भी बनाई थी इसकी, रिकॉर्डिंग की भी, क्या सीन हुआ क्या नहीं, लेकिन वे लोग पहले ही 20 मिनट का अभी एडिट किया तो 20 मिनट का आया, उसमें से भी बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें कट की हैं, तकरीबन 30-35 मिनट का बन रहा था, और अगर मैं एक एक चीज़ लेके आ रहा होता तो फिर तो एक घंटे का व्लॉग बन जाना था। फिर मैंने इसकी सारी एक एक कॉल की, इसको गुस्सा कर गई, रोने लगी, कॉल गुस्से से कट कर दी, फिर मेरे से मैं तो इसको सरप्राइज देने के चक्करों में ना 2-3 चीज़ें भी भूल गया था, इसने मेरे से मंगवाई हुई थी, तो मुझे जब मैं घर पहुंचने वाला था ना, एक 15 मिनट का सफ़र रह गया था,
तो हाँ इसने मुझे कॉल की, अच्छा कल आओगे तो फिर मैं ले आइए, ये ले आना याद से। मैं उस टाइम चुप हो गया, मैंने कहा हाँ ले आऊँगा ठीक है। फिर जैसे ही 15 मिनट बाद घर पहुँचे फिर मजा ही आ गया। अच्छा मेरे को ना इतना गुस्सा था कि ना ये मुझे ना पैसे देकर गया था कि ये पैसे जो भी खाना हो ना मानो खा लेना। मैंने ना उसमें से खाली 200 रुपए खर्च किए थे। फिर मैंने सोचा जब उसने ना मुझे कहा ना कि मैं आज नहीं आ रहा, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा सारे पैसे भी उड़ा दूंगी और मतलब इसके जूते थे वो भी नहीं धोऊंगी, कुछ भी नहीं धोऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन अभी सारा कुछ ही किया हुआ है, बूट भी मेरे धुले हुए हैं। अभी तो आ गए इसीलिए ना, नहीं आता तो कुछ भी नहीं होना था। मैंने इसके लिए ना हलीम बनाई थी, इस क्योंकि इसने मुझे बोला था ना मैं कल आऊंगा, तो इसलिए मैंने हलीम बनाई थी कि आएगा तो हम हलीम खाएंगे ना मिलके। इसने जब कहा नहीं आ रहा, मैंने कहा हलीम भी मैं सारी खा जाऊंगी, सारी खा जाऊंगी इतनी ज्यादा, मतलब मैं बांटूंगी कि ये लो मैंने ज्यादा पका ली आप लोग खा लो। लेकिन इसके लिए नहीं रखूंगी, लेकिन फिर ये आ गया तो मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या सुन लड़कियों को पैगाम दे रही हो कि अपने शोहर के किसमें बहकावे में मत आना। वो जो जब गुस्सा हो, नहीं तो जब तुम गुस्सा होती हो और वो आगे से कहते हैं अरे यार बहुत प्यारी लग रही हो, क्या कराया तुमने। और इसके साथ भी अभी यही सीन ही किया मैंने, कहा ओए कितनी प्यारी लग रही है यार। हंसने लग गई, खुश हो गई, खुश हो गई मुझे यार वैसे सच में प्यारी लग रही है। अच्छा आजा आजा जिम करें, आजा। मैं जिम आया हूँ। साइकिल चला रहे हो? हाँ। हमें तो ये नहीं पता इसको कहते क्या है। और टूट जाएगा वो, उतर जाओ बस, टूट जाएगा वो। जिसके डोले शोले वो, जिससे मन मेरा डोले, तो इसलिए चलो डोले बनाते हैं ना, चलो ताकि और लड़कियां भी कहें ओ, 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 सॉरी सॉरी। अच्छा तो गाइज मैं ये कह रही थी कि अब हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप हमें बताइएगा कि हम कैसी कैसी वीडियोस बनाएं। कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगी, ये कमेंट्स नहीं पढ़ता जो भी हो। अस्तगफिरुल्लाह मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रात टाइम मैं बैठ जाता हूँ, टिकटॉक के हों, इंस्टा के हों, जो हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ वो अलग, हाँ जी वो अलग बात है कि रिप्लाई हर एक को नहीं देता, मतलब बस पढ़ता हूँ और पढ़ पढ़ के जो अच्छे कमेंट होते हैं खुश भी होता हूँ और बस नॉर्मली। वैसे तो अभी तक सबने अच्छे कमेंट ही किए, किसी का बैड कमेंट नहीं आया, आप लोग अच्छे लोग हो यार, गुड। हाँ नहीं एक का बैड कमेंट आया था ये लास्ट फैसल मस्जिद वाली वीडियो में मैंने पढ़ा था, वो कह रहा था शर्म करो मस्जिद में ऐसे कर रहे वैसे कर रहे लड़कियों की तरह देखा। वो इसको भी पता है कि मैं ना लड़कियों को सीरियस में ऐसे छेड़ता हूँ या कोई ऐसा सीन, बस इस आप लोगों को चिल करवाने के लिए एक दो लाइन बोल रहे होते हैं, तो अगर आप लोग एक मिनट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये मीम नहीं है, बोल रहा है झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं सीरियस में आप लोगों को चिल करवाने के लिए एक दो लाइन बोल रहे होते हैं तो उस पे बुरा नहीं मना करें। तो खैर अगर बुरा लगा भी है तो दिल से सॉरी, और अगर नहीं बुरा लगा तो फिर हम दोबारा करेंगे। मतलब ये ना आप कमेंट नहीं पढ़ा करो, वो मेरे साथ है, मतलब ओह सॉरी सॉरी, मुझे बताते हैं कि इसके साथ ऐसा प्रैंक करो ऐसा करो, तो आप मत पढ़ा करो ठीक है। मैं भी पढ़ता हूं तो गाइस मैं चाहती हूं नेक्स्ट वीडियो ना मैं उमर का मेकअप करूं, मेकअप करूं हाँ उमर का मेकअप करूं। नहीं नहीं ऐसी वीडियो को इसको जरा भी ना कहना, इसको आइडिया हो जाए फिर कहती है नहीं 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 मुझे वीडियो कमेंट में कहा था मैंने यही करना यही करना यही करना, तो प्लीज ऐसा कोई कमेंट ना करना। करना करना लाजमी करना, मेरे साथ रहना। और हाथ थक गया। अच्छा तो वो इसका हाथ थक गया था। हाँ ना 6 मिनट से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, हाथ थकना। हाँ 2 मिनट अभी, 2 मिनट उधर 2 मिनट उधर। अच्छा ठीक है 2 मिनट पकड़ा है इसने, ठीक है गाइस। अच्छा तो मैं ये कह रही थी आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन सा प्रैंक करूँ गुज्जर पे, ठीक है लास्ट भी बताना। ये ना उल्ट जैसे कल इसके साथ प्रैंक हुआ है वो फिर। मुझे सच में नहीं आइडिया था आपने अभी आना है, लेकिन मैंने अच्छा प्रैंक किया ना, कोई ऐसा दूसरा सब ये वाला प्रैंक तो नहीं किया ना कि मैं किसी लड़की के साथ आ रहा हूँ शादी करके उसको लेके आ रहा हूँ आप आगे से हैरान। मजाक में भी नहीं बोलते। सच्ची हो जाती है ये बातें। सॉरी मैडम गलती होगी, सॉरी आइंदा नहीं बोलना। ओके गाइस इस पे गुस्सा करना कमेंट में कि आइंदा नहीं बोलना आप इस तरह, ठीक है।
हाँ बस अभी हटा दो, बोलते रहो लेकिन गंदी बातें नहीं, अच्छी अच्छी बातें। मैंने कहा शायद कह रही है आइंदा बोलना ही नहीं है, इस वजह से मैं चुप हो गया। आइंदा ऐसी गंदी बातें नहीं बोलनी। अच्छा अच्छा मैडम सॉरी, गलती हो गई, आज के बाद मैं तीसरी लड़की को नहीं देखूंगा, सिर्फ दूसरे आपको देखूंगा। सो गाइस आप रेडी हो जाएं, इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग होगी और हर रोज मैं तो टारगेट यही रख रहा हूँ, हर रोज रात 10 बजे के करीब वीडियो पोस्ट हो जाया करे, तो वही बेस्ट है मेरे लिए, 10 से 11 बजे के बीच वीडियो पोस्ट हुआ करेगी, जब नेट अगर नेट ने सही साथ दिया और व्लॉग रोज के रोज बनते रहे और 10 बजे आप लोगों को हर रोज नया व्लॉग मिला करेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और हाँ कितना गंदा लग गया है, आपकी वजह से लगा है। अच्छा खैर छोड़, अच्छा इसको कोई गलत मशवरे नहीं देना कि इसके साथ ये वाली वीडियो बनाओ या वो वाली वीडियो बनाओ, ये फिर सीरियस हो जाती है कि नहीं। लास्ट टाइम हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी दूसरे चैनल पे, तब इसे मेकअप मेरा करने पे तो लगी हुई थी, नहीं नहीं बस गुज्जर का मेकअप करना तो मेकअप ही करना है, शुरू हो गई हुई थी ये। अभी भी करूंगी। अच्छा सच्ची? बस एक कमेंट आ जाए, स्क्रीनशॉट करके वीडियो पे मैं कमेंट रीड कर दूंगा फिर वो। नहीं नहीं इतना इतना आवर नहीं ऐसी हरकतें नहीं करता मैं। ओके खैर कोई नहीं गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी जो बाकी और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि डेली व्लॉगिंग सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए और किसी तक ना जाए। ठीक है। अच्छा तो मैं ये कह रही थी हमारी बाकी वीडियोस जिसने नहीं देखी वो जल्दी जल्दी देख लो और लाइक कर दो हमारी वीडियोस को। ठीक है, हम रोजाना मजेदार वीडियोस बनाया करेंगे। ठीक है ना, मजे मजे की आप लोगों को हैप्पी रखेंगे इंशाल्लाह। ओके।